Hold, 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 hold. Thank you. Right on your right. Urvashi, her solo. दादी तुमने खाली बोलो नहीं करे तने खाली बोलो थोड़ा दोगे ना पर तुम Side, please. Okay, bye, Kara. Just hold on. Just one more shot. Yeah. Yeah, yeah. Frame me, frame me. Hold on. Just a minute. Hey, Baba, frame me. Thank you. Thank you, man. Thank you. बहुत खुशी हुई है. मैं पहले भी कई साल मेंटर रह चुकी हूँ और इस बार आई एम आल्सो मेंटर फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट जोन. इंडिया ऑफ कोर्स इज द मेंटर फॉर नॉर्थ एंड साउथ. यू नो आई कैन डेफिनेटली स्पीक ऑन आवर बिहाफ. हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अब लड़कियों को एक महीने के बाद हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रूम हुई हैं एंड दे लुक रियली रियली अमेजिंग. ऑफ कोर्स दे वर अमेजिंग इवन व्हेन वी लास्ट सॉ देम बट यू नो दे जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट्स ऑल फॉर द बेटर. आई थिंक हर साल उम्मीद यही रहती है कि देश भर से लड़कियां जो न
ना सिर्फ खूबसूरत हो लेकिन एक्चुअल प्रोफेशनल्स हो, उनकी मतलब इंटरेस्ट बहुत या जो रुचि कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो. दिस ईयर जितनी भी लड़कियों से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, मुझे उनसे मिलकर यही लगा कि सब में कुछ खास है और सबकी कहानियाँ बहुत ख़ास हैं और जितनी भी स्टेट विनर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल या आई टोटली एग्री. एंड आई जस्ट फील कि हर साल जैसे दिया ने भी कहा कि यू नो वी ऑलवेज होप दैट वी गेट एन इंटरनेशनल पैजेंट. आई ऑलवेज से दैट क्योंकि मैं मेंटर तीन सालों से रह चुकी हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम मिस वेस्ट बंगाल या फिर मिस यू नो महाराष्ट्र या मिस आंध्र प्रदेश नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे एक्चुअली मिस वर्ल्ड ढूंढ रहे हैं. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आज मुझे पता नहीं है कि आपको अभी तक लड़कियाँ देखने का मौका मिला है कि नहीं, पर कल सवेरे आप टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर देख सकेंगे, दे ऑल लुक लाइक विनर्स एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ऑलवेज यू गॉट हैव द फेथ द बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए एक फुल सर्कल रहा है फ्रॉम बीइंग अ विनर टू बीइंग अ मेंटर. बहुत बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट जब मुझे ये ऑफर किया गया कि मैं मेंटर बनूँ तो पहला कॉल मैंने नेहा को ही किया. एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट वी आर इन दिस टुगेदर. एंड मुझे इतनी अच्छी लड़कियों से मिलने का मौका मिला और उनके साथ कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई थिंक आई मैनेज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मिस इंडिया दिस ईयर वॉज द बीच क्लीन अप दैट वी डिड. यादें वापस आई हैं लेकिन उनके उसके साथ आई थिंक जो ब्यूटी विद पर्पस का जो मीनिंग है आई थिंक वी मैनेज टू गिव इट टू द गर्ल्स दिस ईयर. उनको सबको हमने एक बेहतरीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया एंड आई नो दैट दैट activity has transformed the girls in a very positive way. So I'm actually very excited and happy. Thank you. Thank you very much.